मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर भले ही कमलनाथ पसरे हों, लेकिन साहब अहम फैसलों में तो दिग्गी बाबू का दखल ही होता है। नहीं तो जरा इस ट्वीट को देखिए। जी कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का ही है। बड़ी दम के साथ अरुण यादव को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। शुभकामनाएं तो वो इसलिए कि खंडवा उपचुनाव में अरुण यादव को कांग्रेस का उम्मीदवार माना जा रहा है। हालांकि ये बात सिर्फ कयास तक सीमित है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा कांग्रेस ने अब तक नहीं की। अब देखिएगा, दिल्ली ने कोई इशारा ना किया, कमलनाथ मध्य प्रदेश की सीमा में ही नहीं, फिर अचानक दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट बहुत कुछ कह जाता है। कह जाता है कि दिग्गी वाकई दिग्गज है। कमल बाबू भले ही कांग्रेस का चेहरा हो, भले ही आला कमान अपना गुणा भाग लगा ले, लेकिन अंतिम परिणाम में तो डमरू राजा साहब का ही बचता है। अरुण यादव की उम्मीदवारी को चुनौती दे रहे सुरेंद्र सिंह कमलनाथ के खास भी हैं और क्षेत्र में दबदबा भी, लेकिन सारे समीकरणों की पोटली बनाते हुए दिग्गी ने अरुण यादव की दावेदारी को लेकर बवाल तो छेड़ ही दिया। विरोधी गुट लाख किलप ले, लेकिन राजा साहब की थाहा पाना आसान नहीं। चलिए ताकते रहिएगा, राजा के इस दांव पर अरुण यादव की बनती उम्मीदवारी और पुख्ता होती है या फिर